हेलो बेटा, वेलकम बैक बेटा। वी स्टार्टेड द चैप्टर फिफ्थ ऑफ फ्लेमिंगो, दैट इज इंडिगो। फ्लेमिंगो का हमने फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट किया था और चैप्टर का नेम क्या है? इंडिगो। आई टोल्ड यू द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज लुईस फिशर। ठीक है, मैंने आपको बताया था पूरा कि भी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड टू वीडियोस, दो वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। इन द फर्स्ट वन वी डिस्कस्ड बैकग्राउंड सीन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। बैकग्राउंड सीन को देखा और हमने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन फ्रॉम वेयर दिस चैप्टर इज टेकन, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी एंड दैट इज द नेम ऑफ दैट बायोग्राफी इज द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। Then in the second video, we started the summary. There is a great need to represent the summary before starting word-to-word explanation. Because you will be able to connect the things with each other when you know the complete story of this chapter. जब इसकी complete story आपको पता होगी, तभी आप एक event से दूसरे event को connect कर पाएंगे. This is very typical chapter. Typical, I am not saying this one is typical. Students say that this one is typical because I am face problem every year. Students say that we are having problem in indigo, in indigo, in indigo. That's why I'm saying this thing. But I say that this is very easy if you will understand the things, if you got these two things, summary and background scene, then nobody can say that this one is difficult. कोई कह नहीं सकता कि difficult है. चलिए, without wasting the time, let's start it. बातें नहीं करते, अपने काम पे ध्यान देते हैं. हमने किया था जो summary की थी बेटा first उसकी, उस समरी से कनेक्ट करके सेकंड बुक करेंगे, क्योंकि उन्हीं बातों को बार बार रिपीट करने के टाइम बढ़ाने से क्या फायदा। आप प्रीवियस वीडियो पे जाइए, वहां पे देखिए, देन वॉच दिस वीडियो, दिस थर्ड वीडियो, फिर इस थर्ड लेक्चर को देखना। ये आपका कौन सा लेक्चर है बेटा? थर्ड लेक्चर है, ठीक है। दो लेक्चर हो चुके हैं। नाउ लिसन, इन द समरी आई टोल्ड यू राजकुमार शुक्ला, द स्टोरी स्टार्टेड विद द एंट्री ऑफ राजकुमार शुक्ला। किसकी एंट्री के साथ स्टार्ट होती है स्टोरी? राजकुमार शुक्ला की एंट्री के साथ। राजकुमार शुक्ला बिलोंग टू चंपारण एंड ही इज अ शेयर क्रॉपर। ठीक है, कहाँ से आया है? चंपारण से आया है। ही इज अ फार्मर कह सकते हैं, ही इज अ शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर का मीनिंग सबको पता है, मैंने बताया भी है, ठीक है। ही केम टू केम फ्रॉम चंपारण टू मीट गांधी जी। किससे मिलने के लिए आया? गांधी जी से मिलने के लिए आया। एंड मेनली वॉन्ट टू मेक द रिक्वेस्ट, ही वॉन्ट टू मेक द रिक्वेस्ट टू कम विद हिम, कि उसके साथ चंपारण में चले। फॉर वट? फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ शेयर क्रॉपर्स, बिकॉज शेयर क्रॉपर्स आर सफरिंग अ लॉट इन चंपारण इन बिहार। दैट्स वाई ही केम टू मीट, ही केम टू मेक रिक्वेस्ट टू द गांधी जी टू कम टू चंपारण एंड सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपर्स। बट वट वॉज द रिएक्शन ऑफ गांधी जी? गांधी जी डिनाइड। शॉर्ट में बताऊंगी, ये बता चुकी हूँ, जल्दी क्यों बता रही हूँ? अगर मान लो किसी ने फर्स्ट सेकंड नहीं देखी और अभी देख रहा है कि मैडम जल्दी जल्दी बता रही है, क्योंकि ये सारी बातें मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया? मना कर दिया। मना करने का रीजन बताया, बिजी शेड्यूल। बट ही वॉज रेजोल्यूट, लेकिन ये कैसा आदमी था? रेजोल्यूट था, डिटरमाइंड था। फॉलोड गांधी जी एवरीवेयर, डिडंट लीव गांधी जी अंटिल गांधी एग्री टू गो विद हिम। एंड ही एग्रीड विद हिम, ही एग्रीड टू गो विद हिम एंड दे बोर्डेड इन द ट्रेन ऑफ पटना एंड दे रीच्ड पटना एंड दे वेंट एट द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद। वहां पहुंचने के बाद किसके घर पे गए? राजेंद्र प्रसाद, हु वॉज अ प्रोमिनेंट लॉयर ऑफ दिस एरिया, ठीक है, जो कि बिहार का चंपारण का एक बहुत ही फेमस लॉयर था। बट राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉट प्रेजेंट देयर एंड द सर्वेंट बिहेव जस्ट लाइक अनटचेबल विद गांधी जी। और जो वहां पे सर्वेंट थे, उन्होंने उनके साथ जो है वो सर्वेंट ने एक अनटचेबल के जैसे बिहेव किया, ठीक है। देन लेटर गांधी जी वॉन्ट टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द केस। गांधी जी का मेन मोटिव था कि भी केस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गेन करना, इसीलिए वो मोतिहारी में गए और वहां से इन्फॉर्मेशन गेन करने लगे। तभी उन्होंने एक घर को क्या बना लिया? सेंटर बना लिया। जब वो अपने सेंटर पे थे, उस सेंटर पे उनके पास एक इन्फॉर्मेशन आई। इन्फॉर्मेशन आई किसके रिगार्डिंग? एक फार्मर के रिगार्डिंग, भी एक फार्मर के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है या ब्रिटिशर्स उसको मार रहे हैं, ऐसा कुछ। जब गांधी जी वहां जा रहे थे तो गांधी जी के पास गवर्नमेंट का नोटिस आया। उस नोटिस में लिखा हुआ था क्विट चंपारण इमीडिएटली, अभी की अभी चंपारण छोड़ के चले जाओ। गांधी जी का आंसर था नहीं भाई, डिनाइड। गांधी जी डिनाइड टू फॉलो दैट ऑर्डर एंड ही हैज टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट। मैंने बताया, गए थे दूसरों का सोल्यूशन करने के लिए, खुद ही प्रॉब्लम में फंस गए।
ठीक है, अब अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को बुलाया वहां पे कोर्ट में. राजेंद्र प्रसाद एंड अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स केम देयर एंड अ लॉट ऑफ फार्मर्स वर आल्सो केम देयर टू सपोर्ट देयर चैंपियन एंड एट लास्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज टू ड्रॉप द केस. लास्ट में जो गवर्नमेंट थी उसे क्या करना पड़ा, केस को ड्रॉप करना पड़ा और इस तरह से गांधी जी का जो केस था वो ड्रॉप हो गया एंड गांधी जी वॉज फ्री. और गांधी जी क्या थे, फ्री थे. बट हिज मेन मोटिव टू गो टू चंपारण वॉज टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपर टू स्टॉप शेयर क्रॉपिंग सिस्टम देयर टू स्टॉप दैट इनजस्टिस दैट इज डन विद द फार्मर्स. दैट वॉज द मेन मोटिव ऑफ हिम गांधी जी. यही तो मेन मोटिव था कि वहां पे जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उसे रोकना. ठीक है, अब गांधी जी ने क्या किया, जब उनके केस का सोल्यूशन हो गया, हमारा थर्ड लेक्चर यहाँ से शुरू हो रहा है बेटा. जब उनके केस का सोल्यूशन हो गया, केस हो गया ड्रॉप, तो अब गांधी जी की अटेंशन चलेगी किसके पास, अब चंपारण शेयर क्रॉपिंग सिस्टम पे, कि अब मैं इस पे काम करूंगा, अब शेयर क्रॉपिंग सिस्टम पे चलेगी. तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, ध्यान से समझना बेटा. व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड टू कलेक्ट द एविडेंसेस. उन्होंने स्टार्ट किया एविडेंसेस कलेक्ट करना अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, अगेंस्ट देन लैंडलॉर्ड्स. जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट एविडेंसेस इकट्ठे करने शुरू किए लैंडलॉर्ड्स. व्हाट वाज द प्रॉब्लम, यू नो वेरी वेल, पता है ना प्रॉब्लम क्या है, किसके एविडेंसेस इकट्ठे कर रहे हैं, पीछे जाके देख लेना. ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी कि जो कंपनसेशन के रूप में जो फार्मर्स ने पैसा दे रखा था वो अपना पैसा वापिस चाहते थे. ठीक है, ये प्रॉब्लम थी. तो उस एग्रीमेंट के रिगार्डिंग उन्होंने एविडेंस इकट्ठे करने शुरू कर दिए. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट शांत थोड़ी ना बैठी थी कि हाथ पे हाथ रख के बैठी थी. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको रियलाइज हुआ विद ऑल द एविडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स कि सारे जो एविडेंसेस हैं वो ब्रिटिशर्स के क्या हैं, अगेंस्ट हैं. दे रियलाइज दैट दे विल बी ट्रैप्ड. उन्हें रियलाइज हुआ कि हम तो फंस गए. सो द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दैट एरिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ चंपारण यू कैन से दैट, उस एरिया का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था एंड हु वॉज एट दैट टाइम, सर एडवर्ड गेट. कौन थे, सर एडवर्ड गेट. सर एडवर्ड गेट कोल्ड गांधी जी. बात को ध्यान से समझना. देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अपने केसेस उलट गए, then feeling free, the later paid attention toward the problem of sharecroppers. For that now purpose, he started to collect evidences. Then British government realized that, landlords realized that all the evidences against the Britishers, against the landlords. So what they did, Lieutenant Governor realized this one, which head है उसको तो जरूर ये पता होगा. तो head कोल्ड गांधी जी एंड हेड वॉज अ सर एडवर्ड गेट. फॉर वट, फॉर मीटिंग. मीटिंग के लिए गांधी जी को बुला लिया सर एडवर्ड गेट ने. ठीक है भाई, चलो बातचीत से मसले को सुलझा लेते हैं. बट गांधी, देर वॉज नो सोल्यूशन इन द फर्स्ट मीटिंग. कोई सोल्यूशन नहीं हुआ फर्स्ट मीटिंग में. देन अगेन सेकेंड मीटिंग वॉज देयर, देन देर वॉज नो सोल्यूशन. इन सच मैनर फोर प्रोट्रैक्टेड मीटिंग्स वर हेल्ड. चार मीटिंग्स हुई कंटिन्यू गांधी जी की किसके साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के साथ. देन लेटर व्हाट हैपेंड, उस फोर्थ जो मीटिंग थी उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका रिजल्ट ये निकला, अ कमीशन अ कमेटी वॉज मेड. ठीक है, एक कमीशन बनाया गया. ठीक है, कमीशन समझते हो ना, कि कमेटी बना दी. एंड इन दैट कमीशन, That commission will make the inquiry. Commission का main purpose क्या है, कि वो commission inquiry करेगा. भाई सर एडवर्ड गेट ने कह दिया, भी चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, but we and I am giving order to make the inquiry. For that he made the commission. And in that commission, अब देखो जब भी कोई commission बनता है ना, committee बनती है, उसमें ये थोड़े कि one-sided officials होते हैं, उसमें दोनों के representatives होते हैं. इस तरह से फार्मर्स की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे गांधी जी. कौन थे, गांधी जी अकेले, सोल रिप्रेजेंटेटिव, अकेले रिप्रेजेंटेटिव, एक ही इंसान जो फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, वही एक इतने सारे ऑफिसर्स पे भारी पड़ गया. देखना बाद में, अकेले गांधी जी इतने सारे, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, किनके फेवर में, लैंडलॉर्ड्स के फेवर में, ब्रिटिशर्स के फेवर में. ठीक है, नाउ लेटर व्हाट हैपेंड, देखिए उसके बाद क्या हुआ. कमीशन मेड द इंक्वायरी एंड एट लास्ट इट वॉज रियलाइज दैट द डिसीजन वॉज डन, यस दे आर रेडी, ब्रिटिशर्स वर रेडी टू गिव बैक द मनी.
लास्ट में ब्रिटिशर्स एग्री हो गए किसके लिए, पैसा वापस देने के लिए। ये सारी बातें कौन बता रहे हैं, गांधी जी बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं, लुईस फिशर को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि लुईस फिशर उनकी क्या लिख रहे थे, बायोग्राफी लिख रहे थे, इसलिए बता रहे हैं। और इस आपकी बुक में मेन चंपारण वाला मोमेंट है, तो ये सारी चंपारण से रिलेटेड बातें हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आए बेटा? देखो कमीशन बना, कमीशन में एक अकेले गांधी जी रिप्रेजेंटेटिव है फार्मर्स की तरफ से, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं जो लैंडलॉर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव है। एट लास्ट इंक्वायरी वॉज मेड एंड द सोल्यूशन वॉज डन, डिसीजन वॉज टेकन दैट वॉज टू गिव बैक द मनी ऑफ फार्मर्स। गांधी जी वॉज एग्री, डेफिनेटली दैट वॉज द पर्पज, बट सोल्यूशन ये नहीं है। देखना सोल्यूशन क्या हुआ, सोल्यूशन क्या हुआ, दे थॉट दैट दे कैसे प्लेड अ ट्रिक, दे थॉट दैट गांधी जी विल डिमांड ऑफ 100%, सो दे रिप्रेजेंटेड दैट हाउ मच यू डिमांडेड, उन्होंने ये पूछ लिया कि भाई कितना देना चाहिए, कितना क्या कहते हो आप, कितना दें आपको वापस। देन गांधी जी सेड दैट गिव 50%, गांधी जी ने 50% दे दिया। देन दे गॉट द लूप होल, उन्हें तो लूप होल मिल गया, सो दे रियलाइज दैट नो वी विल नॉट गिव द 50%, वी विल गिव 25%। क्वेश्चन आता है यहाँ से, हाउ मच गांधी जी वॉज एग्रीड एंड वाई। ठीक है, गांधी जी कितने पे एग्री हुए और क्यों हुए। गांधी जी वॉज एग्रीड एंड 25% गिव बैक, वाई का रीजन अभी बताती हूँ। ठीक है, शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई, लगभग प्रॉब्लम तो सोल्व हो ही गई कि उनको 25% वापस मिल जाएगा, लेकिन क्यों मिल जाएगा वो देखिए, वाई का रीजन समझिए। वाई का रीजन पहला, गांधी जी ने कहा वी मेक देम, वी फोर्स देम, यू कैन से दैट वी फोर्स देम टू गिव बैक, हमने उन्हें मजबूर कर दिया। वो कहते हैं द मनी डजंट मैटर, मैटर द थिंग, वी फोर्स्ड द ब्रिटिशर्स टू गिव बैक द मनी, हमने ब्रिटिशर्स को फोर्स कर दिया कि वो पैसे वापस दें, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ही सेड दैट वी आल्सो realized that and we also make realize farmers they are having their own rights, अब farmers को भी ये realize हो गया कि हाँ उनके खुद के अधिकार हैं, and some they must raise the voice for getting those rights, वो right उन्हें पाने के लिए क्या करना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए। that's why money doesn't matter, these two things matters, हमने ब्रिटिशर्स को तो force कर दिया कि हाँ झुको हमारे सामने, and second thing we make फार्मर्स रियलाइज देयर ऑन राइट्स, उन्हें उनके जो अधिकार थे उनके से अवगत करा दिया, रियलाइज करा दिया। ठीक है, एंड नाउ दे रियलाइज दैट दे मस्ट रेज द वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड समवन इज हेयर टू डिफेंड देम, यहाँ पे कोई तो है जो उनको क्या करेगा, डिफेंड करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई, पहले तो केस वाली प्रॉब्लम सोल्व हुई थी महात्मा गांधी की, और अब यहाँ पे शेयर क्रॉपर्स वाली भी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। नहीं समझ आए तो प्लीज बेटा मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड सेंड पर्सनली मैसेज, आई विल डेफिनेटली गिव रिप्लाई। ओके नाउ, अब यहाँ पे चैप्टर खत्म नहीं हुआ, सोल्यूशन हो गया, बट गांधी जी वॉज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट इकोनॉमिकल सोल्यूशन। देखो उन्होंने 2-3 सोल्यूशन कहे थे, लेकिन ये कैसा सोल्यूशन था, ये इकोनॉमिकल सोल्यूशन था। कैसा सोल्यूशन था, इकोनॉमिकल, समझ रहे हो, इकोनॉमिकल पैसे से रिलेटेड सोल्यूशन हुआ था। ठीक है, तो इकोनॉमिकल सोल्यूशन से गांधी जी सेटिस्फाइड नहीं थे। गांधी जी स्पेंड नियर अबाउट 1 ईयर इन चंपारण, लगभग 1 साल चंपारण में बिताया है उन्होंने। 1917 में गए थे, 18 तक लगभग ये चला था मूवमेंट, सॉल्यूशन जो हुआ 18 में हुआ, लगभग 1 साल बिताया। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ, ये एक टर्निंग पॉइंट था गांधी जी की लाइफ में। क्यों था, ये क्वेश्चन आता है, गांधी जी सेड दैट दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। क्यों, फर्स्ट थिंग He thought that this particular event will take near about 2 or 3 months. गांधी जी ये सोच के गए थे कि उन्हें 2 या 3 महीने लगेंगे, but it took near about 1 year, 1 साल लग गया उनका पूरा। Beside that, this was the first movement which gave him direction. ये पहला movement था चंपारण वाला जिसने उन्हें direction दी, दिशा दी। किस चीज की दिशा, टू गो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने की, एंड द वे हाउ टू डू इट, सिविल डिसोबीडियंस। पहली बारी तो ऐसा हुआ था कि सिविल डिसोबीडियंस हैज ट्रिम्ड, ये उन्होंने कहा भी है,
जो सिविल डिसोबीडियंस है वो पहली बार जो है वो जीता था, सविनय के साथ अवज्ञा करना। सिविल क्या होता है? सविनय, डिसऑर्डर, अवज्ञा। बड़े विनय के साथ उन्होंने ब्रिटिशर्स के ऑर्डर को मानने से मना कर दिया एंड ही वॉन, और वो जीत भी गए। तो देन ही रियलाइज्ड हिज पावर, तभी उन्हें अपनी पावर समझ आई थी, हाउ मच पावर ही वॉज हैविंग बिसाइड दैट दीज इंडियंस आर हैविंग, ठीक है, कि इन भारतीयों के अंदर कितनी पावर है। ही रियलाइज दैट पावर एंड लेटर ही यूज दैट पावर फॉर फ्रीडम स्ट्रगल, आजादी के संघर्ष के लिए उन्होंने उस पावर को क्या किया, यूज किया। ये तो मैंने आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताया जो 6 मार्क्स में आता है, उसकी थोड़ा सा इंट्रो बताया है। आप देखिए गांधी जी ने वहां पे कौन सा सॉल्यूशन किया, इकोनॉमिकल सॉल्यूशन किया, बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन उस इकोनॉमिकल सॉल्यूशन से वो सेटिस्फाई नहीं थे। वो खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, चैप्टर कह रहा है आपका, ठीक है। ही वाज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट सॉल्यूशन बिकॉज ही ऑब्जर्व बैकवर्डनेस इन दैट एरिया। यहाँ पे जो है वो गांधी जी ने बैकवर्डनेस को ऑब्जर्व किया था। ही ऑब्जर्व इन सैनिटेशन इन दैट दिस एरिया, यहाँ पे जो थी इन सैनिटेशन को ऑब्जर्व किया था। पॉवर्टी, ही ऑब्जर्व पॉवर्टी ऑल्सो, बैकवर्डनेस में सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। एंड ही वॉन्ट टू डू द डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया, इस एरिया के लिए कुछ करना चाहते थे। सो व्हाट ही डिड, अभी किसी भी एरिया की डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करती है, लॉजिकली समझो, कभी नहीं बोलोगे जिंदगी में, ये डिपेंड करती है एजुकेशन पे, ठीक है। एजुकेशन किसके वो डिपेंड करती है, आपकी हेल्थ पे, ठीक है। हेल्थ अच्छी होगी तभी तो आप एजुकेटेड हो पाओगे ना, स्वस्थ नहीं हो तो कैसे हो सकते हो। और आपकी हेल्थ डिपेंड करती है किस पे, सैनिटेशन पे, ठीक है। तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ही डिड द वर्क इन दीज थ्री फील्ड, इकोनॉमिकल सॉल्यूशन करने के बाद, आफ्टर फोर्सिंग द ब्रिटिशर्स टू गिव बैक द मनी, ही डिड द वर्क इन दीज थ्री फील्ड। फॉर द फर्स्ट वन व्हाट ही डिड, फॉर दिस फर्स्ट वन ही ओपन 6 primary schools। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए उन्होंने क्या किया, 6 primary school खोले। ही कॉल्ड द वॉलंटियर्स, यहाँ पे उन्होंने वॉलंटियर्स को बुलाया हु वर विलिंगली रेडी टू रेंडर देयर सर्विसेज, जो खुद से तैयार थे अपनी सर्विसेज देने के लिए। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे वॉलंटियर्स आए एंड टीचर्स, दोज वर द टीचर्स, एंड ही ओपन 6 primary schools, ओके। फॉर दिस वन, फॉर हेल्थ व्हाट ही डिड, फॉर हेल्थ ही प्रोवाइडेड 3 medicines, बहुत इजी है बेटा, 3 medicine उन्होंने प्रोवाइड कराई। द फर्स्ट वन कैस्टर ऑयल, क्या है पहली, कैस्टर ऑयल, ठीक है। सेकेंड वन कुनेन, सेकेंड वन क्या है बेटा, कुनेन। एंड थर्ड वन सल्फर ऑइंटमेंट, क्या है, सल्फर ऑइंटमेंट। ये हो गया हेल्थ का सोल्यूशन, ठीक है, फ्री में। बिसाइड दैट ही कॉल्ड द डॉक्टर्स, उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी बुलाया हु वर रेडी टू रेंडर देयर सर्विसेज फॉर 6 months, 6 महीने के लिए सर्विसेज देने के लिए वो डॉक्टर्स रेडी हो गए, ठीक है। ये उन्होंने किया हेल्थ के फील्ड में। कैस्ट्रोइल, हालांकि एक्सप्लेनेशन है बुक के अंदर, कैस्ट्रोइल किसको दिया जाता था, कुनेन किसको दिया जाता था, सल्फर ऑइंटमेंट किसको दिया जाता था, करेंगे हम बात, अभी इतना ही समझ लो। फिर सैनिटेशन के लिए उन्होंने बुलाया कस्तूरबा, यू नो कस्तूरबा, पता होगा ना, वाइफ ऑफ महात्मा गांधी, कस्तूरबा एंड हिज यंगेस्ट सन, यंगेस्ट है शायद, एल्डर नहीं है, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं है यंगेस्ट है या एल्डर है, यंगेस्ट ही है शायद, ठीक है। अपने छोटे वाले बेटे को बुलाया एंड कस्तूरबा ऑल्सो, एंड बोथ ऑफ दैम ही टॉट द विलेजर्स हाउ टू कीप देमसेल्व्स नीट एंड क्लीन, कि ठीक है वो अपने आप को कैसे नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। एंड ही टॉट द वुमेन ऑफ दैट एरिया हाउ दे कैन, बिकॉज दिस इज द मेन ड्यूटी ऑफ वुमेन टू कीप हाउस नीट एंड क्लीन, ये समझा जाता है ना भाई, लेडी है जो औरत है वही घर की साफ सफाई करेगी। तो कस्तूरबा ने उन लेडीज को बताया भी सैनिटेशन की इम्पोर्टेंस, इन सच मैनर दे टॉट देम द लेसन ऑफ सैनिटेशन। हालांकि यहाँ पे भी बड़ी एक नेगेटिव सी बात आई है, वन वुमेन टुक कस्तूरबा इन हर हर्ट एंड शोड दैट देर इज नो बॉक्स, एक वुमेन लेके जाती है कहती है कि देखना यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है, हाउ द सारी आई एम वियरिंग दैट इज द ओनली सारी विच आई एम हैविंग, हाउ कैन आई चेंज दिस वन, हाउ कैन आई वॉश दिस वन, मैं इसको कैसे वॉश कर सकती हूँ, मैं इसको कैसे चेंज कर सकती हूँ। सो दिस वॉज वेरी पेनफुल सिचुएशन, पार्टी तो थी बट ना सी कंटिन्यू, हो सकता है उसके लिए भी कुछ किया हो उनको भाई, और भी वो दिया हो, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा
डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ पॉवर्टी को हाईलाइट किया गया कि चंपारण एरिया वॉज नॉट डेवलप्ड एंड गांधी जी वर्कड अ लॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया एंड मेनली ही डिड वर्क इन थ्री फील्ड, फर्स्ट वन एजुकेशन, सेकेंड वन हेल्थ एंड थर्ड वन सैनिटेशन. ठीक है, अब ये सोल्यूशन भी कर दिया इकोनॉमिकल सोल्यूशन के साथ, वहां पे जो है वो बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए भी सोल्यूशन कर दिया. अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे. लास्ट बेटा इंसिडेंट हुआ तो तभी था जब चंपारण वाला इवेंट चल रहा था, जब शेयर क्रॉपिंग का सोल्यूशन हुआ नहीं था, लेकिन चैप्टर में लास्ट में बताया है इसीलिए मैं भी आपको लास्ट में बता रही हूँ. ठीक है, ये इवेंट एक ब्रिटिश ऑफिसर था, बता देती हूँ कैसे है, देखो एक बार ध्यान से समझ लो. ये चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है इवेंट, बट है ये उसी टाइम से रिलेटेड जब उनकी लड़ाई चल रही थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, किसके रिगार्डिंग, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम के रिगार्डिंग, उस टाइम का इवेंट है, लेकिन वहां पे बीच में नहीं बताया, उसको बताया यहाँ पे है. ठीक है, इसलिए मैं भी आपको लास्ट में बता रही हूँ. एक बार एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, came to meet गांधी जी टू से गुड बाय. गांधी जी को गुड बाय बोलने के लिए वो आए. गुड बाय किस लिए, बिकॉज ही वॉज गोइंग एट अ डिफरेंट प्लेस बिकॉज ऑफ हिज ट्रांसफर, उनका ट्रांसफर हो गया था और दूसरी जगह पे वो जा रहे थे. एंड ही वॉज डिवोटेड टू गांधी जी, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे गांधी जी से ये ब्रिटिश ऑफिसर. सो ही केम टू मीट गांधी जी, वो गांधी जी से मिलने के लिए आए. अब गांधी जी अकेले थोड़ी थे चंपारण वाले मूवमेंट में. आपको बताया था मैंने दो तीन नाम जिसमें राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, ये बताए थे आपको याद रखने हैं. ठीक है, मलकानी, कृपलानी, इन्होंने क्या कहा, राजेंद्र प्रसाद ने कहा गांधी जी दिस ब्रिटिश ऑफिसर कैन हेल्प अस, ये हमारी हेल्प कर सकता है, इसको अपने साथ मिला लेते हैं और ब्रिटिशर्स के खिलाफ यूज करते हैं. देखो ब्रिटिशर्स भी तो यही करते थे, यहाँ पे इतने साल राज किया किस रीजन से किया, बिकॉज इंडियंस वर इन द फेवर ऑफ देम एंड दे वर गिविंग द सीक्रेट्स ऑफ इंडियंस. इंडियंस के सीक्रेट्स कौन भेज रहा था ब्रिटिशर्स को, इंडियंस ही भेज रहे थे, इसीलिए वो इतने दिन यहाँ पे सर्वाइव कर पाए, यही था ना. तो इन्होंने भी वही चालाकी की कि गांधी जी ऐसा करते हैं, इस ब्रिटिशर को अपने साथ मिला लेते हैं, ये हमारी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा. बट गांधी जी डिनाइड, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया. तो लुईस फिशर और वो कहते हैं वी मस्ट हैव कॉन्फिडेंस ऑन आवर सेल्फ, हमें अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, वी मस्ट नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर विनिंग. ठीक है, जीतने के लिए हमें किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ये लास्ट इवेंट बताया है. एंड इन सच मैनर द राइटर कंक्लूडेड, ये कहते हुए कंक्लूड करता है, इन सच मैनर गांधी जी टोट अस द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंट. ये लास्ट लाइन है, बुक खोल के बेशक देख लेना. ठीक है, इस तरह से गांधी जी ने हमें सेल्फ रिलायंट, ठीक है, कोऑपरेशन एंड इंडियन इंडिपेंडेंस, कोऑपरेशन और इंडियन इंडिपेंडेंस बहुत थ्राइस आर बाउंडेड टूगेदर, इंडिया इंडिपेंडेंस, इन सारी तीनों चीजों को क्या कर दिया, एक साथ इकट्ठा कर दिया चंपारण मूवमेंट में. उन्होंने हमें ये भी सिखा दिया, ये भी सिखा दिया और इंडिया को आजादी, आजादी मतलब एक स्टार्टिंग हो गई मूवमेंट की, सबको रियलाइज हो गया समवन इज देयर टू डिफेंड देम, कोई वहां पे है जो इन्हें डिफेंड कर सकता है. एंड बाय दिस द चैप्टर इज कंप्लीटेड, समरी इज कंप्लीटेड, इस तरीके से आपकी समरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है. ये लास्ट इवेंट था. देखिए ब्रीफ में अगर बताऊं ना तो हम जो कनेक्शन है तीन तरह से डिवाइड करके करो इस चैप्टर की समरी अगर आपने करनी है ना. एक इवेंट किससे रिलेटेड है, राजकुमार शुक्ला से. ठीक है, राजकुमार शुक्ला आना लेके जाना गांधी जी को, उससे रिलेटेड है. सेकेंड इवेंट गांधी जी के केस से रिलेटेड है, किसके केस से, गांधी जी पे केस कैसे हुआ और गांधी जी उस केस से कैसे निकले. थर्ड है आपका शेयर क्रॉपिंग सिस्टम से, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम में जो मीटिंग होती है, ठीक है, उस मीटिंग के बाद क्या रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट के बाद जो है वो कैसे 25% वापिस देते हैं, कैसे वहां पे फिर एजुकेशन के फील्ड में और अदर फील्ड में भी काम किया जाता है, और कैसे उन्हें सेल्फ रिलायंट का पार्ट पढ़ाया, किसका, सेल्फ रिलायंस का पार्ट पढ़ाया. ये चार चीजें आपके चैप्टर को कंप्लीट करती हैं. बाकी तो आपके छोटे छोटे वो हैं, फैक्ट हैं, जो हम रीडिंग करेंगे तब हम सारा कंप्लीट करेंगे. आई होप यू गॉट दीज थिंग्स. अगेन आई एम सेइंग टू यू बेटा, इफ समवन इज हैविंग प्रॉब्लम राइट इन कमेंट सेक्शन और सेंड द मैसेज एट माई पर्सनल विंडो. आई विल ट्राई टू सोल्व योर डाउट्स. और फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस
chapter. Thank you so much for watching this one.